हार होती है तब जब मान लिया जाता है, हार होती है तब जब मान लिया जाता है, जीत तभी होती है जब ठान लिया जाता है। सो हेलो गाइज, मैं हूं रतन सिद्धू और आप देख रहे हैं आपके चैनल जेसोट से। तो यार, अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सेस पाना है तो आपको मान नहीं लेना है, आपको ठान लेना है, आपको जिद्दी बनना पड़ता है किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए। जैसे कि मान लो छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा जब तक उसे खिलौना नहीं मिलता तब तक वो रोने लगती, तब तक रोने लगती है। दुनिया जाए बाढ़ में, दुनिया कुछ भी हो जाए, लेकिन वो रोती रहती है क्योंकि उसे खिलौना चाहिए, और जब तक नहीं मिले तब तक वो चुप नहीं रहती। आपको उसी तरह से जिद्दी बनना पड़ता है, जिद्दी बनना पड़ता है आपके जो सक्सेस को पाने के लिए, जिद्दी बनना पड़ता है क्योंकि जिद्दी आदमी इतिहास रचता है। अगर आपको एग्जाम में 90+ लाना है, 95+ लाना है, 100% लाना है, तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। जब तक आप जिद्दी नहीं बनोगे तब तक 100% नहीं ला पाओगे। आपको ठानना पड़ेगा कि मुझे लाना है मतलब लाना है, मुझे 100% लाना है मतलब लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे लाना है। तभी आपका जो सक्सेस है, मतलब आपका जो एम है कि मुझे 95+ लाना है, तभी आप ला सकते हो। चाहे 2 महीने रहा है या फिर 2 हफ्ते भी हो, फिर भी आप 2 हफ्ते में, उस 2 महीने में आप इतना सब कुछ कर सकते हैं। आप उस 2 हफ्ते में भी 90+ ला सकते हैं, 95+ ला सकते हैं, लेकिन आपका मन में एक जिद्दी होना चाहिए कि मुझे लाना है मतलब लाना है। मैं आपको थोड़ा सा कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, राजा अकबर युद्ध के लिए युद्ध मैदान में जाने वाले थे उनके 500 सैनिकों के साथ। कितने? 500 सैनिकों के साथ युद्ध का मैदान में युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने बीरबल को भेजा कि देख क्या सामने वाले के सैनिकों कितने हैं, उनके सिपाही कितने हैं। तो जब बीरबल गए युद्ध का मैदान, देखे कि विपक्षी वाले राजाओं के पास 5,000 से ज़्यादा सैनिक थे, 5,000 से सैनिक ज़्यादा सैनिक थे और उनके पास सिर्फ 500 ही थे। तो बीरबल बहुत घबरा गए और सोचे कि उनके पास तो 5,000 है, हमारे पास सिर्फ 500, हम चल हार ही जाएंगे, ये युद्ध हम हार ही जाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे। तो बीरबल, तो आपको पता है बीरबल बहुत चतुर है, उसने फिर वापस आया और राजा को बताया, अकबर को बताया कि उनके पास 5,000 है, तो हम ये युद्ध बिल्कुल हारने वाले हैं। तो बीरबल ने सोचा कि अभी हम क्या करेंगे कि अपने सैनिकों के आँखों में एक पट्टी बांध देंगे, आँखों में एक पट्टी बांध देंगे ताकि वो देख नहीं सकते कि विपक्षी वाले राजा के पास कितने सैनिक है, कितने सिपाही है, ताकि वो जाएं और किसी को ना देखें, सिर्फ युद्ध लड़े। क्योंकि उनके सिपाही इतना धुरंधर थे, इतने लड़ाकू थे कि वो सिर्फ दूसरे दुश्मन के सिर्फ उनके आवाज़ सुनकर ही उनको मार सकते थे। तो इसलिए उन्हें उनके आँखों में पट्टी बांध दिया और युद्ध के मैदान में गए और उस युद्ध को उन्होंने जीत भी लिया। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि अगर उन सिपाहियों को आँखों में पट्टी नहीं बांध देते तो वो युद्ध के मैदान में जब जाते और देखते कि उनके सामने 5,000 सैनिक है और वो सिर्फ 500, तो वो डर जाते और वो जो युद्ध था वो हार जाते। तो आप फेल होने से कभी मत डर, क्योंकि थॉमस एडिसन ने कहा है कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैं 10,000 बार नए नए तरीके सीखा हूँ। अगर वो 10,000 बार हारने के बाद, फेल होने के बाद भी अगर कोशिश करना बंद कर देते तो शायद ही आज इलेक्ट्रिक बल्ब पे या हमारे पास होता। तो इसलिए फेल होने से मत डरो, अपने एग्जाम को अच्छे से दो। एग्जाम होने को अभी और 2 महीने हैं या फिर 2 हफ्ते हैं, जितने भी हो आपको अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम देना है। ए सिंगल पीस ऑफ पेपर कैनॉट डिसाइड माई फ्यूचर, है ना, कहावत में है, ए सिंगल पीस ऑफ पेपर कैनॉट डिसाइड माई फ्यूचर। तो ये जो आपका जो एग्जाम है 10th बोर्ड का है या 12th बोर्ड का जो एग्जाम का जो पेपर है, वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करने वाले। अगर आप फेल हो जाते हो या फिर अगर आप कम मार रखते तब भी आपको उदास नहीं होना। अगर आप फेल हुए इसका मतलब नहीं कि आप लूजर हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर वो भी फेल हुए थे और धीरूभाई अंबानी वो भी एक बार फेल हुए, क्योंकि जिगर वालों से डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम वहाँ पर कदम रखते हैं जहाँ पर कोई रास्ता नहीं। खोलते पंख मेरे कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है, कमी नहीं है मंजिल मेरी, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी। लहरों की खामोशी को समुंदर की पेप्सी मत समझना ये ना दो, समुंदर की पेप्सी ना समझना ये ना दो। जितना गहराई अंदर है, जितना गहराई अंदर है, बाहर उतना तूफान बाकी है।